सबका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स प्रेडिक्शन पर टुडे, और मैं हूँ आप लोगों के साथ श्याम भाई। तो आज जो हम बात करने वाला है वो बहुत दिनों के बाद आया हूँ आप लोगों के साथ, और ये जो मैंने यूट्यूब में वीडियो जो डालना बंद कर दिया, ये जो आप लोगों को अपडेट देना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ दिन ऐसा हुआ था कि मैं बहुत कन्फ्यूजन में था, मैं बहुत ही टेंशन में था मेरे काम की वजह से। इतना काम अगर कोई लेके चलता है तो वो तो टेंशन में पड़ेगा। तो वो सब बातें छोड़िए, तो कोशिश करूँगा आज से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो देने के लिए। तो ये जो आज आया हूँ आप लोगों के साथ वो है कि TNPL यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग की जो मैच चल रही है, बहुत सारे मैच तो चले गए ही, लेकिन मैंने उसमें से दो तीन मैच की जो रिपोर्ट दी थी वो गलत निकली थी, लेकिन देखते हैं आज की मैच की रिपोर्ट क्या होता है। तो आज जो मैच है 24th मैच है, 26 नंबर की जो मैच है, ये मैच स्टार्ट करने वाला है क्यूटी पैट्रियट्स और रूबी ट्रेची वॉरियर्स जो दो टीम है। ये दोनों टीमों की प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है इस साल, लेकिन क्यूटी पैट्रियट्स की प्रदर्शन उतना बुरा भी नहीं रहा है, क्योंकि 5 मैच खेला है, 2 मैच जीता है। और ये जो रूबी ट्रेची वॉरियर्स है, इसकी तो क्या बात हो कि इसकी बॉलिंग बैटिंग कोई भी अच्छी नहीं है, एक के बाद एक मैच हारती जा रही है और 5-5 मैच हार चुका है ये जो रूबी ट्रेची वॉरियर्स है। अगर आप लोग इसकी पिछले मैच देखोगे तो बहुत अच्छे खेला था ये जो रूबी ट्रेची वॉरियर्स ने, बहुत ही अच्छे खेला था, 178 रन किया था, लेकिन फिर भी हार गई थी। डिनुगल से जो एन जगदीश थी, क्या बैटिंग किया था, बहुत ही अच्छी बैटिंग किया था, बहुत ही लाजवाब बैटिंग किया था। लास्ट 2 ओवर में जाके वो 59 रन बनाया था, 2 बैट्समैन ने बहुत लंबी 6 मारा था और 1 ओवर में 27 रन बन गई थी। तो ये इस तरह से रूबी ट्रेची वॉरियर्स की, मुझे जैसा लग रहा है कि रूबी ट्रेची वॉरियर्स की लाक खराब है, क्योंकि पिछले मैच में भी वो टाई किया था मदुरई के साथ, वो टाई किया था, लेकिन वो भी मैच सुपर ओवर में हार गए थे रूबी ट्रेची वॉरियर्स। तो देखते हैं इस मैच में रूबी ट्रेची वॉरियर्स की लाक फिर पाती है या फिर ये भी गलती से, उसकी कोई गलती से हार जाती है ये मैच, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो मैच होने वाला है बहुत ही अच्छा मैच होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कमाई वाली मैच होगा, क्योंकि श्याम भाई इस बैक आप लोगों के साथ। और आप लोग तो जानते हैं कि मैं कोई भी गलत रिपोर्ट आप लोगों को नहीं देना चाहता हूँ और ना हमारी कोई गलत रिपोर्ट फेंकती है इस चैनल पर। तो ये जो रूबी ट्रेची वॉरियर्स है, रूबी ट्रेची वॉरियर्स की अगर बैटिंग लाइन के बारे में बात करूँ तो बैटिंग लाइन तो मुझे अच्छी दिख रही है, बहुत ही अच्छी दिख रही है, लेकिन बॉलिंग लाइन की अगर बात करूँ तो बॉलिंग लाइन जो है वो उतना अच्छा नहीं है। इसको मैच जीतने के लिए और थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा रूबी ट्रेची वॉरियर्स को। और ये जो बैटिंग लाइन है, अगर की प्लेयर के बारे में बात करूँ तो जैसा कि है ये जो मुकांत है वो अच्छी खेला था पिछले मैच में, 40 बॉल पर 43 रन बनाया था। और ये जो विजय है, विजय भी अच्छी रन बनाया था अपने पिछले मैच में, 62 बॉल पर 99 रन किया था। और ये जो भारती है, भारती भी 4 बॉल पर सिर्फ 4 बॉल पर 18 रन किया था, 2-6 और 1-4 मार के। तो एक अच्छी बैटिंग लाइन है इस रूबी ट्रेची वॉरियर्स को, लेकिन अगर ये जो बॉलिंग लाइन है, अगर बॉलिंग लाइन के बारे में बात करूँ तो बॉलिंग लाइन मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रही है, इस टीम की कोई भी बॉलर उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। इस बार एक को छोड़ के जो श्रीनिवास है, श्रीनिवास को छोड़ के कोई भी बॉलर अच्छा नहीं किया है पिछले मैच में। अगर आप लोग देखोगे 4 ओवर में 1 मेडन लिया था, 16 रन देके वो 2-2 विकेट लिया था ये श्रीनिवास ने, तो एक अच्छा बॉलर है इसके पास, लेकिन इससे जो टॉप ऑर्डर की जो बॉलर है इसको और भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर बात करूँ क्यूटी पैट्रियट्स की, तो क्यूटी पैट्रियट्स तो अपने पिछला मैच जीत चुका है, 57 रनों से जीत चुका था कारीगुरी काला इससे, वो तो एक अच्छी टीम है ये जो क्यूटी पैट्रियट्स है। तो क्यूटी पैट्रियट्स की अगर बात करूँ तो क्यूटी पैट्रियट्स के पास बॉलिंग बैटिंग दोनों ही एवरेज है। अगर इसकी बॉलिंग लाइन की बात करूँ तो बॉलिंग लाइन तो ये जो तमिल है, ये जो शिवागम है, ये जो वेंकटेश थे, ये जो तीन बॉलर है पिछले मैच में 2-2 विकेट लेके मैच जीता था, बहुत ही अच्छी अच्छी बॉलिंग किया था। और ओपनर जो दो बॉलर था वो पहले ही 2 विकेट गिराया था, यानी कि 1-1 विकेट गिराया था ये जो मोरती है और ये जो एथे सार्जे है। तो ये जो एक टीम है, अच्छी टीम है ये क्यूटी पैट्रियट्स की, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही एवरेज है। और अगर बात करूँ बैटिंग लाइन की, तो बैटिंग लाइन तो उतना अच्छा नहीं था पिछले जो मैच था, उस मैच में जो फास्ट ओपनर बैट्समैन था उसकी तो अच्छी नहीं था, लेकिन मिडिल ऑर्डर पर बैट्समैन जो खेला था बहुत ही अच्छी खेला था। अगर देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर की बैट्समैन की जो रन किया था पिछले मैच में, तो ये जो सुब्रमणिया शिवा है, ये जो कैप्टन है इस टीम की क्यूटी पैट्रियट्स की, वो अच्छी खेला था, 40 बॉल पर 80 रन किया था। ये जो
जो कप्तान है इस टीम के निदेश खेला था 28 बॉल पर 34 रन किया था, तो ये भी एक अच्छी प्लेयर है। तो ये जो टीम है टूटी पैटी और से एक बैलेंसिंग टीम है, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही एवरेज है। लेकिन अगर बात करो ये जो मैच होने वाला है वो होने वाला है डिंडीगुल पर, और डिंडीगुल पर मैंने बोला था कि ये जो डिंडीगुल है वो फास्ट बैटिंग करके भी जीत सकती है और सेकेंड बैटिंग करके भी जीत सकती है। ये जो पिच है फास्ट बैटिंग और सेकेंड बैटिंग दोनों ही एवरेज है। ये जो विनिंग के चांसेस बताओ तो 60-40 का विनिंग चांसेस है इससे दोनों पिच पर, यानी कि जो सेकेंड बैट करेगा उसको चांसेस रहता है 55 और ये जो फास्ट बैट करता है उसको चांस रहता है 45। तो ये जो मैच होने वाला है आप लोगों को लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो है कि आप लोगों को एक अच्छी मैच में दूंगा। इस इतने दिन बाद आया हूँ आप लोगों के साथ, तो एक अच्छी मैच तो आप लोगों को बिल्कुल मैं दूंगा। तो प्लेयर की प्लेयर बॉलर बैट्समैन या फिर ये जो स्टेडियम पिच कैसा है सब कुछ मैंने बता दिया आप लोगों को। और ये जो फाइनल जो रिपोर्ट रहने वाला है वो है कि ये जो मैच है वो विनर हो सकती है। मेरी तरफ से देखिए अगर कैलकुलेशन किया जाए तो हमारी जो रिपोर्ट है रिपोर्ट के साथ ये जो हमारी मेरी जो कैलकुलेशन है वो उसके साथ एक वो एडजस्ट हो रही है, क्योंकि ये जो टूटी पैट्रियट्स थे वो अपनी पिछला मैच में टॉस जीता था, उसके बाद भी टॉस जीता था, और ये जो रूबी टेच वॉरियर्स थे ये अपनी पिछले दो मैचों में टॉस हार गया था। तो ये जो मैच है ये मैच इस मैच में मैं जाना पसंद करूँगा कि इस ये जो मैच है वो टॉस जीतेगा रूबी टेच वॉरियर्स, और रूबी टेच वॉरियर्स अगर बाद में बैट करता है यानी कि पहले बॉलिंग करता है तो ये रूबी टेच वॉरियर्स मैच जीत जाएगी। लेकिन अगर वो गलती से बैट करे पहले तो फिर भी ये मैच हार जाएगी रूबी टेच वॉरियर्स। लेकिन हमारी जो प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच में वो है कि देखिए रूबी टेच वॉरियर्स पाँच मैच हारा है, लेकिन ये जो मैच है वो रूबी टेच वॉरियर्स नहीं हारेगा, यानी कि रूबी टेच वॉरियर्स विन ऑफ दिस मैच। ये जो 24th मैच है और शाउन भाई जो आया है आप लोगों के साथ, तो ये जो मैच की विनर है वो है रूबी टेच वॉरियर्स। तो देखते हैं क्या होता है, तो चलते हैं आज के लिए। और अगर अभी भी हमारे साथ है आप लोगों और हमारे चैनल के साथ है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दो, और मेरी नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और चलते हैं आज के लिए, और वीडियो में एक लाइक और वीडियो को शेयर कर देना अगर आप लोगों को पसंद आया तो, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर देना। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताना मेरे दोस्तों। तो चलते हैं आज के लिए, बहुत दिनों के बाद थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले मैच में। बहुत सारी मैच हो रही है जो कुछ दिन मैंने आप लोगों से बाहर था, वो जो ये जो कुछ लॉस हो गया इस लॉस को मैं जरूर प्रॉफिट में आप लोगों को बदला दूंगा। तो चलते हैं आज के लिए।